सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दो लहंगे जो कि हैं श्री राजरामा कलेक्शन से, और इनको मैंने परचेज किया है अमेजोन से। तो अगर आप ये लहंगे परचेज करना चाहें तो इनकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली साइड में पहुँच जाएंगे और आपको कन्वीनियंट रहेगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो चलिए मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को बढ़ाते होंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो पहला लहंगा है वो कुछ ऐसी पैकेजिंग में हमको रिसीव होता है, तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ आपको कि लहंगा है कैसा। तो ये स्काई ब्लू कलर में लहंगा है, जिसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने इसको परचेज किया। एंड इनकी जो आपको इनकी जितनी फ़ोटोज़ होंगी, पिक्चर्स होंगी, वो आपको साइड में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लुक देगा। सो गाइस, हम पहले इसकी आपको सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ब्लाउज़ की। तो इसका ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा कि आप सभी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, एंड ये एक लेयर नेट की दी हुई है इसमें। ये एक सियर नेट है, बहुत ही ज़्यादा थिन नेट है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नेट इसमें दिया गया है। सो ये यहाँ पे आपको नेट में मिल जाएगा। एंड इसका जो बैक साइड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको ऐसा बो टाइप से चार बो लगी हुई हैं यहाँ पे बैक में, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। एंड जो इसकी बाहें हैं, स्लीव्स हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफिल वर्क मिलेगा नेट के में ही। सो आपको दो रिफिल वर्क के मिल जाएंगे, तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है, 100% श्योर। मैं इसलिए पहन के नहीं दिखा सकती अभी क्योंकि मुझे इनकी फिटिंग करानी पड़ेगी, अल्टर कराना पड़ेगा साइड साइड से, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ आएगा आई थिंक मुझे, तो मैं आपको भी पहन के नहीं दिखा सकती, लेकिन जल्दी मैं आपको पहन के भी दिखा दूँगी। सो ब्लाउज़ कुछ ऐसा है इसका, एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका जो प्राइस है इस लहंगे का वो है 2500 रुपीज़। एंड अब बात करते हैं इसके मेन मटेरियल का। इसका तो इसका लहंगा है फुल रिफल में, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिफल मिल जाएंगे, लाइक 1-2 छोटे छोटे। तो पूरा जो लहंगा है उसमें पूरे में रिफिल लहंगा है, वो इस टाइप का है कुछ। एंड गाइस जो इसका घेर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत सारा घेर मिल जाएगा यहाँ पे, आपको कैन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अच्छा खासा घेर दिया हुआ है। एंड पीछे आपको यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगा, जिससे आपको फिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। सो, इसका लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, एक्चुअली लहंगा ही इसका बहुत ही अच्छा था, सो दैट मैंने इसे परचेज किया। अगर आप चाहें परचेज करना तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस, पहले लहंगे का मैंने रिव्यू कर दिया, अब सेकेंड लहंगा है जो उसका, पहले हम ब्लाउज़ देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ कुछ नॉर्मल सा है यहाँ पे, ऐसा पिंक कलर में है ये, एंड इस टाइप का ब्लाउज मिलेगा आपको। यहाँ से साइड में एक चैन मिल जाएगी जिससे आप ओपन कर सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं, तो फिटिंग बहुत ही अच्छी रहती है इस तरह चैन अगर लगी होती है तो। एंड यहाँ पे आपको एक नंग वाला काम मिलेगा, पतला सा, और वेस्ट आपके कमर में भी थोड़ा सा। सो ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसका कपड़ा मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो इस लहंगे का प्राइस है 2100 रुपीज़, या 2100 रुपीज़। एंड इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको बगल में लगा दूँगी साइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि पहनने के बाद ये कैसा लुक देगा। एंड गाइस, इसमें आपको एक श्रग मिलेगी नेट की, वो भी पिंक कलर की ही है। तो एक आपको लॉन्ग श्रग मिल जाएगी,
जो कि इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें अलग से इसे पहनना किसी भी जीन्स के साथ या फिर कोई क्रॉप टॉप के साथ भी इसको वियर कर सकते हैं इजिली। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी सी आपके नी तक आ जाएगी ये फ्रॉक एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे आपको धागे का काम मिलेगा, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको धागे का काम मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई मीन यहाँ पे आई थिंक चिकन कढ़ाई जैसा कुछ काम दिया हुआ है, आई डोंट नो एक्चुअली, बट जो फैब्रिक है इसका वो नेट का है, तो काफ़ी अच्छा है। 2100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा लहंगा मिल रहा है। एंड बात करते हैं अब इसके लहंगे की। तो गाइस मैं बता दूं कि इन दोनों लहंगाज में दुपट्टा नहीं था। अगर आप दुपट्टा डालना चाहते हैं तो अगर आप दुपट्टा डालना चाहते हैं तो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसमें कोई दुपट्टा नहीं दिया हुआ है। बात करते हैं इसके लहंगे की। तो लहंगा कुछ ऐसा है पिंक कलर में, एंड इसका जो घेरा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको खड़े होकर भी दिखाती हूँ, पहले मैं आपको बैक साइड इसका दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको एक इलास्टिक मिल जाएगी जिससे आपको अच्छे से फिट हो जाएगा ये। और साइड में आई थिंक नहीं, इसमें साइड में कोई भी चेन नहीं दी हुई है, तो चेन नहीं है इसमें। बाकी ये बहुत अच्छा है। एंड नेट का मटेरियल है इसका, एकदम सॉफ्ट नेट है, आपको चुभेगा भी नहीं कहीं से। एंड मैं आपको खड़े होकर इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो जो इसकी लेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेंथ है। तो अगर आप 5'4" या 5'5" के भी हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। एंड गाइस आप इसमें ना साइजेस थे, तो मेरा स्मॉल साइज है, आप लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या मिडिल साइज में भी ले सकते हैं। आपको सारे साइजेस चार्ट वहाँ पे मिल जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। तो इसका फ्लोर कुछ ऐसा है एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा से घेरा दिया हुआ है, एज यू कैन सी। सो गाइज मैंने दोनों लहंगे के रिव्यू कर दिए हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी लहंगा अच्छा लगे तो आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। और श्री राजरामा कलेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे लहंगास ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पे भी उनकी साइट में जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको शायद और अच्छे लहंगास मिल जाएँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। एंड गाइज मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे चैनल को लाइक कर आई मीन मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज चलिए मैं जाती हूँ अब, सो बाय बाय।